नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, सब लोग करंट अफेयर्स से भी बिल्कुल अपडेट रहें, इसलिए मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस भी समय समय पर लेकर आता रहता हूँ। मार्च 2020 का ये दूसरा वीडियो होगा जो कि करंट अफेयर्स पर आधारित है, और इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 3 मार्च के दौरान जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएँ हुई हैं उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को विज्ञान भवन में मनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। और जैसा कि आप ये भी जानते होंगे कि इसे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को इसी दिन डॉक्टर CV रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, रमन इफेक्ट, और इसके लिए उन्हें 1930 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको भी बताना ये है कि 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या रही थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स जो कि आने वाले हैं। और इसका सही जवाब है वोमेन इन साइंस, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर एकदम करेक्ट है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम रही है वोमेन इन साइंस। अगला सवाल देखते हैं। डू यू नो, एक ट्विटर सीरीज चलाई गई थी, आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि डू यू नो नामक जो ट्विटर सीरीज है इसका संबंध है पारिवारिक पेंशन से, ठीक है। तो ऑप्शन बी, बस इतना याद रखेंगे आप तो आपका काम चल जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और भारतीय रेलवे ने अपना रेस्टोरेंट ऑन व्हील कहाँ पर लॉन्च किया है, रेस्टोरेंट ऑन व्हील, ये दो पुराने मेमू कोच को मिलाकर एक रेस्तरा तैयार किया गया है, और जिसमें भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में वो इससे 5 लाख का फायदा कमाएगा। तो इसको कहाँ पर शुरू किया गया, ये क्वेश्चन है। पहला रेस्टोरेंट है ये, ठीक है, और सही जवाब इसका ऑप्शन ए, आसनसोल रेलवे स्टेशन पर इसे शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना, आप बिल्कुल भी भूलना मत आप। उसके बाद है अगला सवाल, इस वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाया जाता है, और इस वर्ष यानी कि 2020 में इसकी थीम रहेगी IM जनरेशन इक्वलिटी री अलाइनिंग वुमेंस राइट, ठीक है। तो ये याद रखना आप, क्योंकि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि जो थीम होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। एक ऐसे जानवर की खोज हुई है जो कि बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। तो ये तो आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस जीव का नाम क्या है, इस जीव का नाम है हेंगुया सलमी निसिकोला, हेंगुया सलमी निसिकोला नामक एक जीव की खोज हुई है। एक्चुअली में यह जानवर नहीं होगा, यह एक जीव होगा, और ये बिना ऑक्सीजन के, एक्चुअली में यह सांस ही नहीं लेता है और जीवित रहता है। तो इससे देखिए एक बहुत बड़ा जो है साइंस में एक यू टर्न वाली बात आ गई है, और यहाँ पर पूरी पूरी थियोरी को चैलेंज कर दिया गया है। और ये जो जीव है ये समुद्र में पाया जाता है, समुद्र की एक मछली होती है उसके पेट में यह जीव रहता है, और जो मानव है उसके लिए बिल्कुल भी ये हानिकारक नहीं होता है। स्क्रीन पर आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं, यह एक बहुकोशिकी जीव है, एक कोश की नहीं है, बहुकोशिकी है। सैल्मन मछली के भीतर मिले इस परजीवी हेनेगुया सलमीनिकोला की खोज से सदियों से चली आ रही सारी वैज्ञानिक धारणाएँ हिल गई हैं, और वैज्ञानिक नए सिरे से सोचने लगे हैं कि हो सकता है कि इस बहुकोशिकी जीव की तर्ज पर आगे चलकर हम भी बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकें। और ये बात भी सामने आई है कि जो अन्य ग्रह हैं वहाँ पर भी जीवन हो सकता है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऐसे जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और लंबे समय से ये माना जा रहा था कि बिना ऑक्सीजन के जीवन पनप नहीं सकता है। और देखिए यहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक रिपोर्ट छापी है, और उसके मुताबिक ये समुद्री जीव जेलीफिश की तरह दिखता है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे जीने के लिए सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और इससे जो है अब नई नई खोज को एक दिशा मिलेगी। इस दिशा में भी खोज होगी कि बिना ऑक्सीजन के कौन कौन से जीव हैं जो कि जीवित रह सकते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा कर सकते हैं। ग्यारहवें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर किया गया था, ये इसका 11वां आयोजन था, जो कि नाम है इसका राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020। इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया था, कहाँ पर, नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन किया था, और इसका जो आयोजन किया था वो किया गया था ICAR के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा।
अगला सवाल होगा, भारत में सर्वाधिक डिजिटल लेन देन कहाँ पर दर्ज किया गया है? देखिए जो सिटी लेवल पर है तो ये बेंगलोर होगा, बेंगलोर जो कि कर्नाटक की राजधानी है, तो बेंगलोर में सबसे अधिक यूपीआई का प्रयोग किया गया है। और अगर स्टेट के लेवल पर देखेंगे तो सबसे अधिक मतलब सबसे टॉप वन पर क्या होगा, ये महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा जो डिजिटल लेन देन करने वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है, और डिजिटल लेन देन करने वाला जो शहर है वो बेंगलोर है। तो दोनों आप याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी एक पॉइंट पूछा जा सकता है। 2 दिवसीय अनोखा मिर्च महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इसका सही जवाब मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि इसका आयोजन 28 और 29 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश में किया गया था, और एक निमाड़ी ब्रांड है मिर्च का, उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो बस इतना याद रखना आप। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पुरुष हॉकी स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये है बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, ये भुवनेश्वर में हो रहा है। ठीक है, अच्छा आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मशाल वाहक कौन था? ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? इसको जो है INCOIS का शॉर्ट फॉर्म है इसका, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है। ठीक है, तो दोस्तों 1 से लेकर 3 मार्च के दौरान जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको हमने डिस्कस किए, और यहाँ पर जो प्रश्न थे वो लिमिटेड ही थे क्योंकि यही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, बाकी के प्रश्नों को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको वीडियो में शामिल नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो पसंद आया और सीरीज आपको बेहतर लगी तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।